नेता प्रखर वक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित कृष्ण कुमार शर्मा जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय रविशंकर जी से कि आपको संबोधित करें। संजय मयूक जी, पंडित के शर्मा जी, सभी पत्रकार मित्रों नमस्कार, अभिनंदन। मित्रों, आज छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही भयंकर शराब में लूट के विषय को आपके सामने रखने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं पार्टी के राष्ट्रीय मंच से, क्योंकि ये सारा मामला 2161 करोड़ के घोटाले का है जो राज्य के कोष में जाना चाहिए था, जिसको लूट लिया गया। आई रिपीट, कल प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेंट फाइल किया गया है 4 जुलाई 2023 को, जिसमें डॉक्यूमेंट के साथ 1300 पेजेस के साथ पूरे विषय को विस्तार से रखा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो एक्साइज में लिकर सेल होती है, बिक्री होती है शराब की, जिस पर प्रदेश को ड्यूटी मिलती है, उसको एक सिंडिकेट बना के किस तरह से 2161 करोड़ की लूट हुई है, जो सरकार को आनी चाहिए थी। और कैसे ये सिंडिकेट चलता है, वहां 800 शराब की दुकानें हैं, सारा कुछ राज्य के द्वारा कंट्रोल होता है, प्राइवेट को जगह नहीं होती है, उसमें कितनी षड्यंत्र करके इस लूट को अंजाम दिया गया, जिसका एक बड़ा हिस्सा इस लूट का वहां के राजनीतिक लोगों के पास जाता था जो सत्तासीन है। तो पहले तो ये विषय रेड वगैरह हुआ था, लेकिन आज जब इन्वेस्टिगेशन करके कल एक व्यापक कॉम्प्लेन कोर्ट के सामने फाइल कर दिया गया, तो यह विषय इतना गंभीर है कि इसको बताना जरूरी था। शराब के माध्यम से इलीगल कमाई आजकल विपक्षी सरकारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार बन गया है। इलीगल रिकवरी ऑफ मनी थ्रू इलीगल सेल ऑफ लीकर हैज बिकम ए हॉलमार्क ऑफ अपोजिशंस लूट अभियान। एक उप मुख्यमंत्री दिल्ली में जेल में है, आपको पता है, उनका बेल बार बार रिजेक्ट होता है। नैतिकता की दुहाई देने वाली सरकार के उप मुख्यमंत्री जेल में है, और जहां तक मेरी जानकारी है उनका 4 बार बेल रिजेक्ट हो चुका है, और जो बाकी सहयोगी थे उनका भी हो गया है। आज छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस की सरकार है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताना चाहते हैं। आपको जानकारी हम दे दें कि वहां पर शराब बेचने वालों के 800 आउटलेट हैं, और ये सब सरकार के द्वारा ही चलते हैं, वहां कोई प्राइवेट प्लेयर अलाउड नहीं है। और डिस्टिलरी होती है उसको देते हैं, जहां से शराब वहां आती है, और चूंकि सरकार के द्वारा ही बिकता है तो पूरा उसका अकाउंट होता है, और जो भी ड्यूटी लगती है एक्साइज ड्यूटी वो सरकार के कोष में जाती है। अब इन 800 आउटलेट से किस तरह से गलत तरीके से पैसा कमाना है और सरकार को चूना लगाना है और नेताओं की जेब गरम करनी है, यह है पूरी कहानी। इसमें एक सज्जन है, मास्टरमाइंड है अनवर धेबर, अनवर धेबर मास्टरमाइंड है। और ये कौन है, ये कांग्रेस नेता और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई है। एजाज ढेबर कौन है, मुख्यमंत्री बघेल के बहुत ही करीबी है। तो रिश्ता की शुरुआत ऐसे है कि मास्टरमाइंड है श्रीमान अनवर धेबर, वो छोटे भाई हैं एजाज ढेबर के, जो रायपुर के मेयर हैं और भूपेश बघेल के बहुत ही क्लोज हैं। अब ये 2019 से 2023 के बीच में
ये इलीगल पैसा जो जनरेट किया 2061 करोड़ का, इसमें सिंडिकेट अपना शेयर रखता है और बाकी लोग पॉलिटिकल सिस्टम में उसको पेबैक कर दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए कि एक वहां पर कॉरपोरेशन है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पूरे शराब का मैनेजमेंट, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी बिक्री की मॉनिटरिंग वही करते थे और इसका सिस्टम बड़ा ही क्लियर था कि वहां एक पदाधिकारी थे, बाकी कुछ आईएएस ऑफिसर्स थे और बाकी अनवर ढेबर थे और उनका ग्रुप था। इन्होंने कैसे काम किया, 800 जो आउटलेट थे वो सब जगह अपने लोगों को पोस्ट कर दिया आउटसोर्स कर करके, रिकवरी करना, अकाउंट रखना, बाकी सब। और चूंकि इस कॉरपोरेशन के माध्यम से होता था तो वो काम चलता था और उसके सिस्टम में बड़ा क्लियर था कि जो भी कमीशन होता था उसमें अपना एक फिक्स पैसा रख लिया करते थे और 75-150 पर केस कमीशन मिलता था और इस कमीशन को लेने के बाद वो अपना हिस्सा रख लिया करते थे और बाकी सिस्टम में डाल दिया करते थे। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात हुई, यह आपको जानना जरूरी है, कि डुप्लीकेट होलोग्राम बनाया गया। तो मतलब जाली होलोग्राम से अवैध शराब और देशी शराब भी बेची गई जो अलाउड नहीं था। आपको मालूम है होलोग्राम जो होता है किसी बॉटल पे लगता है तो सरकार उसको ऑथराइज करती है, आपको मालूम ही है, होलोग्राम कैनॉट बी मेड बाय अनऑथराइज पर्सन। इसलिए क्योंकि होलोग्राम उस बॉटल की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को कंफर्म करता है। तो उन्हें डुप्लीकेट होलोग्राम बनाया, डुप्लीकेट बॉटल बनवाई और इस तरह से काम चलता रहा। और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो रेवेन्यू लॉस हुआ है ये कैसे हुआ, कि जैसा एजेंसी ने बताया है कि अनवर साहब जो थे अपने लिए और अपने सहयोगियों के लिए जो कमीशन आते थे उसका 15% रख लेते थे और बाकी 15% के बाद जो इलीगल बचा, जो स्टेट को नहीं गया, वो ऊपर में पॉलिटिशियन और सत्ताधारी सिस्टम में चला जाया करता था। इसलिए 2161 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ, गैर कानूनी तरीके से हुआ और भयंकर राज्य के कोष की लूट हुई ऐसे लोगों के द्वारा जिनको मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है। और बहुत स्वाभाविक है, इतनी बड़ी लूट बिना सरकार के प्रत्यक्ष आशीर्वाद के हो नहीं सकती है। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम इसलिए इसको आज लेकर के आए हैं कि हमने कहा कि जब फॉर्मर कंप्लेंट ईडी ने फाइल कर दिया है, 1300 पेज का इन्वेस्टिगेशन है, वॉल्यूम कई सैकड़ों पेज का एविडेंस है, तो उसके बाद जब फाइल कर दिया गया तो अब हम आपके पास इस विषय को रखने के लिए आए हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि उनकी बड़ी संख्या में संपत्ति भी जब्त की गई है। उनका 121.87 करोड़ के अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी जो कॉरपोरेशन के हैं और अनिल तुतेजा हैं उनके सहयोगी, इनकी 119 इमोबल एसेट 121 करोड़ की जो थी उसको जब्त किया गया है। और ये भी मालूम हुआ कि अनवर ढेबर के नाम से 53 एकड़ जमीन नया रायपुर में है, भिलाई में है, मुंबई में है। तो ये सब चीजें रिकॉर्ड पर है। तो मैंने सुना कि ढेबर जी, ये भूपेश बघेल जी ने गंगा में लेकर के शपथ खाई थी गंगा जल से कि मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। आज भ्रष्टाचार की कहानी है, हम आपको एक नोट भी भेज देंगे। बीजेपी की ओर से हम डिमांड करते हैं कि इस मामले का जवाब दिया जाए।
और जिस तरह से कांग्रेस के लिए कुछ सरकारें एटीएम का काम करती हैं, उसमें वर्तमान छत्तीसगढ़ की सरकार पहला एटीएम है। और अब यह स्पष्ट हो गया कि उनको और दूसरे जो सज्जन हैं जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, दोनों में ढाई ढाई साल का बंटवारा हुआ था, अगर याद होगा पुराने लोगों को। अब वो क्यों नहीं हुआ, अब समझ में आ गया कि एटीएम इतना इंपॉर्टेंट था और एटीएम चलता था इलीगल तरीके से, राज्य के कोष से ड्यूटी को चुरा कर करके। इसलिए पूरा मामला इतना बड़ा आया है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। सरकार, हम बीजेपी की ओर से इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं और कांग्रेस के पूरे सरकार में जिस तरह का भ्रष्टाचार होता है, ये उसी का प्रमाण है, ये हम कहना चाहते हैं। और फिर मैं अंतिम बात यही कहूंगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है या आम आदमी पार्टी की सरकार है, शराब के माध्यम से गलत काम करना और रेवेन्यू जनरेट करना, ये एक नया मॉडल है, ये हम आपसे कहना चाहेंगे। एक सुचिता और नैतिकता की बात करने वाले उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, चार बार से उनको बेल नहीं मिल रहा हाईकोर्ट तक में, और आगे आगे देखिए होता क्या। जो छत्तीसगढ़ में होने वाला है, अंतर बहुत बड़ा क्या है भाजपा में और बाकी में, हमारा संकल्प है गरीब कल्याण, और हम 9 साल का हिसाब भी देते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लगभग 28 लाख करोड़ रुपए 48 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट में गए और 3 लाख करोड़ बचाए गए। ये हम बार बार चर्चा करते हैं, डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश क्या बदला है, कितना करप्शन रुका है, और एक तरफ सिर्फ लूट है, जैसे भी हो गरीबों को लूटना, बाकी लूटना और टैक्स पेयर्स को लूटना। ये टैक्स अगर 2000 करोड़ आया होता छत्तीसगढ़ सरकार में, तो गरीबों के लिए काम होता कि नहीं होता। बार बार ये हल्ला करते हैं कि भारत सरकार की ओर से हमें उचित सहयोग नहीं मिलता, फंड नहीं मिलता, ये सारे अपोजिशन पार्टीज का एक हल्ला चलता है आजकल, देखते होंगे, वो एक अलग कहानी है, कभी चर्चा हम लोग करेंगे कि आप अपने फंड के उपयोग का सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो आपको अलग किस्त कहां से मिलेगी। एक तरफ फंड नहीं होने का रोना रोना और दूसरी तरफ 2161 करोड़ की लूट करना, ये है इनके पैमाने। धन्यवाद मित्रों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इससे संदर्भित जो भी प्रश्न है सादर आमंत्रित है। विनीत, मैं एक ही बात कहूंगा, 4 जुलाई यानी कल या एक दिन पहले कोर्ट में कंप्लेन हुआ है ना, 1300 पेज की इन्वेस्टिगेशन, गवाही और डॉक्यूमेंट्स है ना, उनको उनका जवाब न देना चाहिए कि किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, किस तरह से टैक्स पेयर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लूटा गया है, इसका जवाब देना है ना। बाकी तो वो करते ही रहते हैं बोले, लेकिन फैक्ट क्या है इसका जवाब देना पड़ेगा ना उनको। पुनः मैं आग्रह करूंगा, इससे संदर्भित जो भी प्रश्न है आमंत्रित है। पहले और किसी को नहीं पूछना है इस पर, पक्का सर? अब बिहार से हम भी हैं, बिहार से संजय बाबू भी हैं, किससे पूछना है? और बगल में भी काशी के पास के, अभी बिहार के बगल में, देखिए ऐसा है, कोई नई बात लालू जी नहीं कह रहे हैं। 14 में भी कहा कि मैं मोदी की हवा को रोक दूंगा, क्या हुआ आपने देखा। 19 में भी पूरा उन्होंने ट्वीट किया, उस समय शायद जेल में थे, कि मोदी जी की हवा रुकेगी, क्या हुआ आपने देखा। और अभी 24 में भी देश देख रहा है क्या होगा। हाँ, एक बात मैं, चूंकि लालू जी ने बड़ा ताल ठोक के कहा है, तो बस मैं एक ही प्रश्न लेके और कोई उत्तर इस पर प्रश्न नहीं लूंगा कि लालू जी, मैंने सवाल किया था, पटना की बैठक हुई थी तो पटना से मैंने कहा था कि 24 के लिए जो बारात सज रही है उसका दूल्हा कौन है। ये तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बारात सजने के पहले ही बिखर रही है, बराती ही भाग रहे हैं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। विकास चंद्र,
आप निश्चिंत रहिए, बिहार में हम लोग 40 की 40 जीतेंगे, निश्चिंत रहिए आप जी। उस पर काफी विस्तार से बात करेंगे, छोड़ दीजिए आप। यतेंद्र टीवी यतीन, लालू जी अच्छा चेकअप कराएं, स्वस्थ हो जाएं, उनका ऑपरेशन हुआ है, मेरी शुभकामना है। और विदाई की बात भूल जाएं, अभी उनको बहुत चिंता करनी है, चारा घोटाले की अपील की सुनवाई होनी है, रेलवे घोटाले में नई चार्जशीट आ गई है, कितना गरीबों की जमीन जबरन ली गई नौकरी के बदले। लालू प्रसाद जी आपने तो रेल मंत्री के रूप में अपने समाज के लोगों को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी जमीन लिया जबरन नौकरी के प्रति, और कुछ अपने पॉलिटिकल सहयोगियों से भी जमीन लिया, मकान लिया मंत्री बनवाने के लिए, तो उसका जवाब देना पड़ेगा ना, उसकी चिंता लगी। सुजीत ठाकुर, मेरे ख्याल में हमारे राष्ट्र नेता आदरणीय गृह मंत्री जी ने बिहार की अपनी 3-4 यात्राओं में साफ घोषणा कर दी है कि नीतीश कुमार के दरवाजे बंद हैं, तो मुझे इसके आगे कुछ नहीं ऐड करना है। अब जहां तक आपने बात कही, तो नीतीश जी हमारा कुल खानदान और गोत्र जानते हैं और हम भी उनका कुल खानदान और गोत्र जानते हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार जैसे वो पलटी, तो लालू जी का शब्द मैंने उनके लिए घुलाटी मारते हैं, ये भी देश देखता है, तो 24 में उसका जवाब मिलेगा। Well, as far as whenever we speak from the party forum, in terms of foreign policy, we always only support and reinforce the comment of the external affairs minister and the official spokesperson. They have already spoken in a very hard tone. We are deeply concerned that people associated with Khalistani, commitment should not break peace, create mayhem, and the governments are under a responsibility to rein them in. Kamlesh ji. देखिए, हर चीज की तो हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो भारत की दुनिया में साख बढ़ी है, मान बढ़ा है, जो विकास का पैमाना बढ़ा है, जो भारत की अर्थव्यवस्था 3री सबसे बड़ी व्यवस्था हो गई है, गरीबों का कल्याण हुआ है, इसको देख के अगर कुछ लोग विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्वागत है। अंबुज, अंतिम प्रश्न। चलिए आमोद जी, ये वही बंगाल सरकार है जो भारत सरकार के ऊपर फंड नहीं देने का आरोप लगाती है, और जो मिड डे मील का पैसा जाता है उसको अपने कर्मचारियों को तनख्वाह के लिए देती है, तो ये तो उनकी वित्तीय मैनेजमेंट कितना गड़बड़ है इसका संकेत है। हाँ बिल्कुल। ठाकुर रविंद सिंह, अंतिम प्रश्न। यूपी
यूनिफॉर्म सिविल कोड। कुछ चीजों के लिए आपको वेट करना चाहिए, यह हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट है, तो उसकी एक प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया की प्रतीक्षा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।